हेलो ऑल दी व्यूअर्स, मैं हूँ मौलिक झालावाड़िया और मैं एक केमिस्ट्री टीचर हूँ। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स थे और बहुत सारे मेरे बच्चे थे, वो मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप एक कोरोना वायरस के रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाएं जिसमें हमें कुछ जानकारी मिले, इन्फॉर्मेशन मिले। तो आज के ये वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कोरोना वायरस से कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है, कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें क्या डाइट में लेना चाहिए। तो पहले तो मेरे सारे जो बच्चे हैं और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी को मैं पहले एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी जो अपने प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन किया है लास्ट कुछ दिनों से, और 21 डेज होते हैं ये जो कोरोना वायरस से उसको रोकने के लिए, इसका जो साइकिल है वो हमें तोड़ना है। इसका कोई और इलाज है ही नहीं, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे पूरा लॉकडाउन है, तो प्लीज़ कि आप घर पे रहिए, घर पे ही अपना जो वर्कआउट है वो वर्कआउट कीजिए, बाहर ना निकलिए। फिर दूसरे कौन से बात आपको ध्यान में लेने हैं, तो जो भी है अगर कुछ काम के लिए बाहर जा रहे हैं, मानो कि सब्जी लेने जा रहे हैं, दूध वगैरह राशन लेने जा रहे हैं, तो वापस जैसे घर पे आते तो तुरंत वो जो सारे क्लोथ्स है वो सारे निकाल के उसको वॉश कर दीजिए गर्म पानी में, और आप खुद भी नहा लीजिए। क्योंकि आपको पता नहीं है कि मार्केट में आपने किस किस को छुआ है, वो हो सकता है संक्रमित हो कोरोना वायरस, और आप अपने घर में कोरोना वायरस को बुलावा दे सकते हो। तो पहली चीज़ आपको ये नोट डाउन करनी है कि यहाँ पे जब भी आप बाहर जाते हैं तो घर पे आने के बाद आपको पूरा नहा लेना है, और घर में भी आप जब भी रहते हो तब आपको क्या करना है, तो बार बार आपको हैंड वॉश करने हैं, और अपना जो हैंड है वो अपने नाक की तरफ, मुंह की तरफ और आँख की तरफ ले नहीं जाने हैं। अगर ले जाने की आपकी टेव है तो आप मास्क पहनिए घर पे भी, तो आप वहाँ पे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि ये जो वायरस है वो ये दो जगह से एंटर हो सकता है अपने बॉडी में, और ये जो वायरस है इनका सिम्टम्स डेवलप होने में 14 डेज लगते हैं, यानी आपको तुरंत मालूम नहीं होता है कि हमें कोरोना वायरस हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या करनी है, तो बार बार आपको हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइज करना है अपना जो हैंड है उसको, 2-3 घंटे के बाद सैनिटाइज कर लो। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में लेना है कि अगर आप हैंडसेट यूज़ करते हो मोबाइल, तो मोबाइल को भी आप बार बार सैनिटाइज करिए, क्योंकि मैक्सिमम अभी आप मोबाइल यूज़ करते होंगे, लॉकडाउन है तो मोबाइल और टेलीविज़न ही यूज़ करते हैं, तो मोबाइल को आपको क्या करना है, बार बार सैनिटाइज करना है। फोर्थ पॉइंट आपको क्या करना है, अगर आपको कोई छींक आती है तो आप कोई टिश्यू पेपर यूज़ कीजिए या रुमाल यूज़ कीजिए, यानी इससे इन्फेक्शन फैलेगा नहीं, तो एक आपको ये करना है। और आप क्या कर सकते हो, तो और आप गर्म पानी में जो है नमक है, फिर नींबू है, वो डाल के आप इसके कोगले कर सकते हो, गार्गलिंग कर सकते हो, तो यहाँ से भी आपको इन्फेक्शन जो इसके होते हैं वो कम होने के चांसेस पूरे के पूरे रहते हैं। और लास्ट बार मैं कह रहा हूँ कि ये जो वायरस है इसको आप हल्का मत लीजिए, क्योंकि ये वायरस ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया है, चाइना में, इटली में, इटली में अभी डेली 700-600 लोग डेली डेड होते हैं, और उनके जो केस है वो भी डेली इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे तो इंडिया में एक अच्छा है कि अपने जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अच्छा एक लॉकडाउन का विकल्प है वो लिया है, तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप घर पे ही रहिए, काम काज कुछ है नहीं तो बाहर मत निकलिए। एक और एक अपना एक लोगो होना चाहिए, स्टे होम सेफ होम, आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। तो बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।